जल लंका मेरी जली 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 लंका जला इस दुनिया में एक रावण नाम का शख्स ही है जो हर वर्ष जलाया जाता है, बाकी दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है कि एक बार मरे उसको रोज भुतले जलाया जाए। मनुष्य जीवन में एक ही बार मृत्यु होती है, एक ही बार उसे जलाया जाता है। इस संसार में एक रावण नाम का देवता भी कह सकते हैं उसको, रावण नाम का राक्षस भी कह सकते हैं। हर वर्ष दशहरा आता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा। मैं मेरी मन की बात नहीं बता रहा हूं, आप सब खुद समझदार बैठे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, अपने बाप दादा ने भी जलाया होगा, हम भी जला रहे हैं और हमारी पीढ़ियां भी जलाती रहेगी, पर ये प्रथा कभी खत्म नहीं होगी साहब। तो कहा है जली लंका मेरी जला तुम मुझे जलाना पाओगे जली जली। सभी आनंद ले इस भजन का। तुम मुझे यूं जला न पाओगे, हाँ तुम मुझे जला न पाओगे, जली लंका मेरी जली लंका मेरी जला जली लंका मेरी जला मैं भी। है मनुष्य तुम भी एक दिन जलाए जाओगे, हाँ तुम मुझे लिखा है। आ तेरे ना और कहा है सुनिएगा। रावण ने कहा जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार इस भजन में भी हर शब्द के अंतर दो नजर आएंगे। सुनिएगा कि मैंने सीता हरी हरी के लिए कि मैंने सीता हरी हरी राक्षस कुल की भली बलि के लिए, और जो काम मैंने किया वो काम मनुष्य जीवन कभी नहीं कर सकता है। कि मैंने प्रभु को रुलाया है वनवन, मैंने प्रभु को रुलाया है वनवन, प्रभु को
रुला न पाओगे हाँ तुम मुझे चला न पाओगे तुम मुझे कलयुग है। कलयुग की बात कहिए कि आज रावण से राम डरता है, लखन सीता हरण ही करता है, कि आज रावण से राम डरता है, लखन ही सीता हरण को करता है। आज घर घर में छुपे है रावण, आज घर घर में छुपे है रावण, अब किस किस को तुम जलाओगे कि सीता हरना तो एक बहाना था। रावण ने कहा कि सीता हरना मेरे लिए एक बहाना था, क्योंकि मुझे प्रभु की शरण में जाना था, और मैं सीता का हरण ना करता तो मुझे प्रभु की शरण ना मिलती, तो ये नेक काम मैंने इसलिए किया था। उस समय की बात भी देखो, एक अपहरण करने वाले व्यक्ति के साथ भी वो स्त्री सुरक्षित रही। आजकल अपहरण क्या, आजकल तो एक दिन घंटे साथ में रह जाए तो न जाने क्या क्या है। उस समय का जमाना था, उस समय का भगवान का युग था, वो करना चाहते थे तो बहुत गलत कर सकते थे सीता जी के साथ, पर उन्होंने यही कहा कि ये एक बहाना ढूंढ लो, ये एक बहाना ढूंढ लो, चाहे अपना मोक्ष हो जाए। पर आजकल मोक्ष के लिए भी रोज क्या क्या करते हैं पता नहीं है, दुनिया है, बड़ी सारी दुनिया है, मोक्ष तो नहीं होगा पर फोक्स जरूर हो जाएगा, क्योंकि अदालत सारा फोक्सोमेट्री लगाती है। कि कहा है कि सीता हरना तो एक बहाना था, मुझको प्रभु की शरण में जाना था, कि सीता हरना तो एक बहाना था, मुझको प्रभु की शरण में जाना था, और कि मैंने मर के प्रभु को पाया है। रावण ने
आप सबने रामायण देख रखी होगी और सभी ने देखी भी होगी, ना देखी भी हो तो देख लेना। जब से प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध हुआ, चालू हुआ, तब से रावण ने अपने मुंह से यह नहीं कहा कि श्री राम। रावण को जब उनकी सेनाएं कहती थी कि प्रभु अभी भी जाओ, समय है माफी मांगने का, या उनकी पत्नी कहती कि अभी भी जाओ माफी मांग लो, आपको प्रभु श्री राम माफ कर देंगे, तो रावण का एक ही शब्द था, मैं उस वनवासी राम से माफी नहीं मांगूंगा, मैं उस वनवासी राम से, उस वनवासी राम से जो वन वन भटक रहे हैं उनसे माफी मैं मांगू। और जब अंत का समय आया तो श्री राम श्री राम श्री राम कहकर उनका प्राण त्याग दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है साहब, बहुत सोचने की बात है। आजकल एक बड़ा प्यारा भजन चल रहा है, उसके बाद भी मैं सुनाऊंगा आपको, थोड़ा सा ट्रेंडिंग में। ओल्ड भजन तो बहुत सुनते, थोड़े नए भी सुनने चाहिए। मैंने मर के प्रभु को पाया है, मैंने मर के प्रभु को पाया है। हे मनुष्य जीवन, तुम जिंदा रहकर कभी ना पाओगे, तुम मुझे जला ना पाओगे, मैं तुम मुझे श्री राम चंद्र भगवान की जय।